अब ये करेंगे AIPMT 10 का एक प्रॉब्लम। रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू फॉल्स ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग द मीडियम फ्रॉम एयर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 डिग्री। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ म्यू द रे कैन अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सीधे TIR की शर्त लगा देनी है। क्या जानते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को उन दोनों मीडियम के बीच क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। साइन I शुड बी ग्रेटर देन साइन C। अब साइन C हमें क्या मालूम है, ये होता है 1/μ। तो साइन I, हमको I कितना दिया हुआ है, I दिया हुआ है हमें 45। तो डायरेक्ट यहां 45 डालें तो साइन 45 यानी 1/√2। तो हम लिख सकते हैं म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2 यानी म्यू ग्रेटर देन 1.414। तो जिन मीडियम्स के लिए, जिन पेयर्स के लिए इस म्यू की वैल्यू 1.414 से ज्यादा होगी उनके लिए TIR होगा। तो 1.414 से ज्यादा सिर्फ यही दिखाई पड़ रहा है ना, ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। अब ये AIPMT 2010 का क्वेश्चन। अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ एफ एंड अपर्चर ऑफ डायमीटर डी फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इंटेंसिटी आई। तो हमको एक लेंस दिया हुआ है, मे बी कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उसकी फोकल लेंथ है एफ और इसका डायमीटर है सपोज डी, और इससे फॉर्म्ड इमेज की इंटेंसिटी आई है, ऐसा गिवन है। अब अपर्चर ऑफ डायमीटर D/2 इन सेंट्रल रीजन ऑफ लेंस इज कवर्ड बाय अ ब्लैक पेपर। इसके सेंट्रल रीजन में एक ब्लैक पेपर चिपका दिया, कैसा, D/2 डायमीटर का, यानी इस रीजन की लाइट को ब्लॉक कर दिया। इन अदर वर्ड्स, कम एरिया से अब रिफ्रेक्शन होगा यानी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। देखते हैं अभी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ इमेज नाउ विल बी रेस्पेक्टिवली। तो फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी क्योंकि फोकल लेंथ डिपेंड करती है ऑन द मटेरियल ऑफ द लेंस, सराउंडिंग मीडियम एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द सर्फेसेस ऑफ द लेंस। इनमें से कोई क्वांटिटी बदल नहीं रही है तो फोकल लेंथ डज नॉट चेंज, यानी ऑप्शन ए या सी में से कोई एक करेक्ट होगा। और जैसा हमने अभी बात की, इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो इधर इट इज I/4 और 3I/4, तो कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऐसा ध्यान लाना पड़ेगा कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया डायमीटर की टर्म्स में वो होगा π d² / 4। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लिखेंगे नई इंटेंसिटी अपॉन पुरानी इंटेंसिटी इज इक्वल टू नया एरिया। अब नया एरिया क्या होगा, तो पुराना एरिया कितना था, π d² / 4, और नया एरिया कितना होगा, तो वो होगा π d/2, यानी π d² / 4 तो था ही, एक और 4 यहां आ जाएगा, अपॉन पुराना एरिया, दैट इज π d² / 4। अब इसमें से π d² / 4 कॉमन लें तो इससे कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 - 1/4, 1 - 1/4, 1 - 1/4, मतलब ही कितना हुआ, वो 3/4, यानी क्या मिला हमें, I2 / I1, जो I है इनिशियल इंटेंसिटी इज इक्वल टू 3/4। तो नई इंटेंसिटी हो जाएगी 3/4 ऑफ I, 3/4 ऑफ द प्रीवियस, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन 2008 में पूछा हुआ, अ बॉय ट्राइंग टू स्टार्ट अ फायर बाय फोकसिंग सनलाइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर using an equi-convex lens of focal length 10 cm. The diameter of the sun is 1.39 × 10⁻⁹ m and its mean distance from earth is 1.5 × 10⁻¹ m. What is the diameter of sun's image on the paper? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ रे डायग्राम बना लेना चाहिए। स्टैंडर्ड सवाल है इसलिए ज्यादा फिक्र ना करते हुए ऐसा डायग्राम बना लें, और दिमाग में ये रखें कि कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जब पैरेलल रेज गिरती हैं तब क्या होता है, पैरेलल रेज गिरने पर वो फोकस हो जाती हैं, किसी पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं, उसको कहते हैं हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस लेंस का। अब मैंने मान लिया है कि ये है सन और ये हो गया उसका डायमीटर DD', जो रे ऐसी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से वो अनडिविएटेड, ये भी वैसे ही होगा, और यहां फॉर्म हुआ है उसका इमेज, ये हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर।
डी डी डैश. अब आप बोल रहे होंगे कि दूसरी रे कहाँ है, तो आप पैरेलल ले जाओ इस तरह और उसको फोकस की डायरेक्शन में जाना है, तो ऐसा ये दूसरा रे हो जाएगा. इन दोनों का ये एक रे, ये दूसरी रे, और ये इंटरसेक्शन ही यहाँ पर इमेज होगी. तो डी डी डैश उस डायमीटर का इमेज हो गया, लाइक यानी सन का इमेज हो गया. अब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, वर्टिकली ऑपोजिट, और एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा देंगे क्योंकि एंगल बहुत छोटे होंगे. अब इसके करस्पॉन्डिंग यदि आप लिखोगे, आर्क हो जाएगा डी डी डैश, जो सन का डायमीटर है वो दिया हुआ है 1.39 इंटू 10^9 अपॉन रेडियस, मतलब हो जाएगी अर्थ से सन तक की डिस्टेंस, वो दे रखी है हमको 1.5 इंटू 10^11. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. उसी तरह इसके लिए काम करो, आर्क वो हो जाएगा डी डी डैश अपॉन रेडियस, ये हो जाएगी फोकल लेंथ के बराबर, लगभग फोकल लेंथ के बराबर. हालांकि इसका फोकस यहां पर होगा थोड़ा सा पहले, पर हम उसे अप्रॉक्सीमेटली फोकल लेंथ मान सकते हैं. उसका फोकस हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10^-2. अब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके और आंसर हमको मिल जाएगा 1.39 × 10^9 × 10^-1 अपॉन 1.5 × 10^11. और इसको सॉल्व करने पर लगभग आ रहा है ये 9.2 × 10^-4 मीटर, यही इसका आंसर होगा. तो इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, कंफ्यूजन जैसा होगा, पर इसके अलावा हम कुछ कर नहीं पाएंगे. ये सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है उसका, आपको तो सिर्फ इस डायग्राम को याद रखना है ऐसा सवाल आने पर. तो आगे बढ़ते हैं. अभी फिर से AIPMT 8 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान. टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ F1 F2 आर इन कॉन्टैक्ट एंड कोएक्सियल, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज. तो पावर निकालनी है कॉम्बिनेशन की, तो पहले निकालते हैं फोकल लेंथ. कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, 1/F1 + 1/F2. सॉल्व करेंगे तो कंबाइंड फोकल लेंथ आएगी प्रोडक्ट ऑफ फोकल लेंथ अपॉन सम. और हम जानते हैं कि पावर होती है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ जो आई है उसको रेसिप्रोकेट करेंगे, तो इसे रेसिप्रोकेट करने पर ये आएगा F1 + F2 / F1 × F2, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी 2008 का ही है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन अ मटेरियल इज 2 × 10^14 Hz एंड द वेव लेंथ इज 5000 angstrom. द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विल बी. तो उस मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. अब ये तो हम जानते ही हैं, सी तो होगा 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड. यहां हमको वेलोसिटी उस मीडियम में चाहिए, और v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लगा देंगे या n लैम्डा लगा देंगे, कहने का मतलब. तो v इज बराबर n लैम्डा लगाने पर हमको उस मटेरियल में स्पीड मिल गई, ns 2 × 10^14 Hz चलेगा इंटू क्या चाहिए लैम्डा, वो 5000 angstrom है. बस angstrom को हमें बदलना पड़ेगा मीटर में, इसे मीटर में बदलना पड़ेगा, और ये तो पर सेकंड आएगा, तो मीटर पर सेकंड ये हो गया, ये कैंसिल आउट हो रही है यूनिट, मतलब हमारा आंसर सही है. अब आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, 14 में से 10 जाते हैं तो यहाँ 4 बचेंगे, वो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो 10^4 बचेगा. या फिर ये कर सकते हैं 14 + 3 = 17 - 10, मतलब 7 ऊपर जाएगा तो सिर्फ एक 10 ऊपर बचता है, तो 3 × 10 ऊपर बचता है. नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा यहाँ 5 और ये एक 2 यानी 10, तो वो भी कैंसिल आउट हो रहा है, यानी सीधे सीधे हमको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3 मिल रहा है, और ये इसका आंसर होना चाहिए. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. दिस इज क्वेश्चन आजरन AIPMT 2007. अ स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ अ बीकर फिल्ड विद अ लिक्विड. अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉइन ट्रेवल्स अप टू द सर्फेस ऑफ द लिक्विड एंड मूव्स अलॉन्ग इट्स सर्फेस. सी फिगर. ये वो कॉइन, और ये कॉइन से चलने वाली एक रे आकर टकराती है सरफेस पर, जब वो लिक्विड से एयर में जाने की कोशिश कर रही होती है और पास होती है इस इंटरफेस से, ऐसा बताया हुआ है.
तो आप थोड़ा सा अपना रिफ्रेक्शन का नॉलेज लगाएंगे तो आपको याद आएगा कि इस एंगल को फिर क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तभी ये रे इंटरफेस से होकर गई हुई है। बस ये इसका जवाब है, साइन सी क्रिटिकल एंगल है। और साइन सी यदि आ गया है, हमसे पूछा क्या है, हाउ फास्ट इज द लाइट लिक्विड, मतलब हमको उस लिक्विड में स्पीड पूछी हुई है, तो लिक्विड में स्पीड कितनी होती है, तो पहले ये याद लाएंगे लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा सी बाय वी, वी इज इक्वल टू होगा सी बाय म्यू के बराबर, ये याद आना चाहिए। अब हमें म्यू चाहिए तो हम यहां आएंगे, हम जानते हैं साइन सी इज इक्वल टू होता है 1/μ। ये यहां पर जो इंटरफेस से वो गई है तो ये क्रिटिकल एंगल है, और क्रिटिकल एंगल का साइन 1/μ होता है। यहां हम साइन सी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, ये सी है तो ये भी सी होगा अल्टरनेट इंटीरियर, और यदि ये साइन सी है तो साइन सी कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये 3 है ये 4 है तो ऑब्वियसली ये 5 है, तो 3/5 ही आया, 3/5 इक्वल्स टू 1/μ, सो म्यू कम्स आउट टू बी 5/3। वो यहां डाल देना है वैल्यूज, सी स्पीड ऑफ लाइट है तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड म्यू इज सब्स्टिट्यूटेड टू बी 5/3, 3 गोज अप, सो दिस इज 9/5×10⁵ मीटर पर सेकेंड, और ये इसका आंसर होना चाहिए। 5 से डिवाइड कर दें तो 5 1s 5 5 8s, यानी 1.8×10⁸ मीटर पर सेकेंड, सो ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर।